हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पराशर दाब के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक अणुसंघ गुणधर्म है। इस चैप्टर में हमें चार अणुसंघ गुणधर्मों के बारे में पढ़ना था, जिसमें से हम लोगों ने तीन को पिछली वीडियो में पढ़ लिया है और लास्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पराशर दाब को पढ़ने से पहले हम पराशर की क्रिया को समझेंगे और इसे समझने के लिए हम फिगर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक पात्र लिया है। पात्र में हम विलायक और विलयन को ले रहे हैं और इन दोनों को अलग करने के लिए हम अर्धपारगम में झिल्ली का उपयोग कर रहे हैं। अर्धपारगम में झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल विलायक के कणों का प्रवाह होने देती है। मतलब कि इस झिल्ली की सहायता से हम देखें कि विलायक के जो कण होंगे वो आर पार तो जा सकते हैं, लेकिन विलेय के जो कण होते हैं वो इस झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विलायक होगा उसमें तो केवल विलायक के कण होंगे, लेकिन जो विलयन होगा वो विलयन विलायक और विलेय दोनों को मिलाने से बनता है, इसलिए इसमें विलायक के भी कण होंगे और विलेय के भी कण होंगे। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि विलायक के कण जो हैं दोनों ही ओर स्थित हैं। तो हम देखते हैं कि जब इन दोनों को हम अर्धपारगम में झिल्ली की सहायता से अलग करते हैं तो विलायक के कणों का प्रवाह होने लगता है, लेकिन ये जो प्रवाह है वो केवल विलायक से विलयन की ओर होता है, विलयन से विलायक की ओर नहीं होता है, और इसी प्रवाह को हम परासरण की क्रिया कहते हैं। तो हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से कि अर्धपारगम में झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर विलायक के कणों के प्रवाह को ही परासरण की क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विलायक की जगह पे हम यहाँ पे तनु विलयन भी ले सकते हैं और इस विलयन की जगह पे हम सांद्र विलयन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरा फिगर ले रहे हैं जिसमें सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हम विलायक की जगह पे तनु विलयन ले रहे हैं और विलयन की जगह पे सांद्र विलयन ले रहे हैं। अब इन दोनों को जब हम अर्धपारगम में झिल्ली से अलग कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि दोनों ही विलयन हैं, इसलिए दोनों ही विलायक और विलेय से मिलकर बने होंगे। मतलब दोनों में ही विलायक और विलेय दोनों के ही कण उपस्थित होंगे, लेकिन ये तनु विलयन है इसलिए यहाँ पे विलेय के जो कण होंगे उनकी संख्या कम होगी, और जबकि ये सांद्र विलयन है इसलिए इसमें विलेय के कणों की जो संख्या है वो अधिक होगी। तो हम देखते हैं कि अगर अर्धपारगम में झिल्ली से अलग करते हैं तो विलायक के कणों का प्रवाह होता है, लेकिन ये जो प्रवाह है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है, लेकिन सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर नहीं होता है। यही क्रिया परासरण की क्रिया कहलाती है। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अर्धपारगम में झिल्ली से होके तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों के प्रवाह को परासरण की क्रिया कहते हैं। परासरण की क्रिया में एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि विलायक के कणों का प्रवाह विलायक से विलयन की ओर हो रहा है, इसलिए विलायक का स्तर नीचे जाता है और विलयन का स्तर जो है वो ऊपर उठता है, और इसी प्रकार से तनु विलयन की जो स्तर होगा वो नीचे जाएगा और सांद्र विलयन का स्तर जो होता है वो ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ पे हम दोनों को मिला के परिभाषा लिख सकते हैं कि अर्धपारगम में झिल्ली से होके विलायक से विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों के प्रवाह को ही परासरण कहते हैं, यह परासरण कहलाता है। अब परासरण के बाद हम परासरण दाब को समझेंगे। परासरण दाब की यहाँ पे हम दो डिफिनेशन देखेंगे और दोनों के लिए हम फिगर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डिफिनेशन में कि हमने एक पात्र लिया है और इस पात्र में हम एक अन्य पात्र ले रहे हैं और इस पात्र की जो दीवारें हैं वो अर्धपारगम में झिल्ली की बनी हुई हैं। छोटे वाले पात्र की दीवारें अर्धपारगम में झिल्ली की हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बड़ा पात्र है उस पात्र में हम विलायक को ले रहे हैं और जो छोटा पात्र है उसमें हम विलयन को ले रहे हैं। तो अगर हम विलायक और विलयन दोनों को अर्धपारगम में झिल्ली की सहायता से अलग करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे परासरण की क्रिया होने लगेगी, यानी विलायक के कणों का प्रवाह विलायक से विलयन की ओर होने लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक दाब कार्य करेगा जो परासरण दाब होगा और इसकी दिशा जो है विलायक से विलयन की ओर होगी। चूँकि परासरण की क्रिया में विलायक के जो कण होते हैं वो विलायक से विलयन की ओर जाते हैं, इसलिए हम देखेंगे कि विलायक का जो स्तर होगा वो कम होगा और विलयन के स्तर जो होगा वो बढ़ने लगेगा। मान लेते हैं कि जब परासरण की क्रिया शुरू हुई थी तो उस समय
जो इस विलयन का स्तर था जो इतना था, यानी प्रारंभिक स्तर इतना था, लेकिन परासरण की क्रिया की वजह से जब विलायक की कण विलयन में जाएंगे तो इसके स्तर में वृद्धि होगी, और मान लेते हैं कि ये वृद्धि होते होते एक अंतिम स्तर को प्राप्त कर लेता है, यानी इसके बाद इसके स्तर में वृद्धि नहीं होती है, मतलब कि परासरण की जो क्रिया है अब वो रुक गई है। यहाँ पे परासरण की क्रिया के रुकने का कारण ये था कि जो कांच की नली में द्रव था जिसकी मात्रा बढ़ रही थी, ये द्रव जो है ये एक दाब लगाता है विलयन पे, जिस दाब को हम जल स्थैतिक दाब कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इस नली में द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है, इस जल स्थैतिक दाब का मान बढ़ता जाता है, और जब ये बढ़ता रहता है और इतना बढ़ जाता है कि ये परासरण दाब के बराबर हो जाए, तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों दाब हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब दोनों दाब बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो परासरण की क्रिया है वो रुक जाती है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परासरण दाब, जिसको हम पाई से भी दिखाते हैं, ये पाई जो है जब जल स्थैतिक दाब के बराबर हो जाएगा तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। अब इसी को हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे। परिभाषा है कि परासरण दाब उस जल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए ठीक पर्याप्त हो। यानी वो जल स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देगा, वो दाब ही परासरण दाब के बराबर होगा। अब हम परासरण दाब की सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक पात्र लिया है, और पात्र में हम विलायक और विलयन को ले रहे हैं, और इन दोनों को हम अर्धपारगम या झिल्ली की सहायता से पृथक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विलयन ले रहे हैं, उस विलयन वाले भाग में हमें यहाँ पे एक पिस्टन लगाए हुए हैं जिसकी सहायता से हम इस पर कोई बाह्य दाब लगा सकें, और विलायक वाले हिस्से में हम देख रहे हैं कि एक कांच की नली लगी हुई है। तो चूंकि हम यहाँ पे विलायक और विलयन को अर्धपारगम में झिल्ली की सहायता से अलग कर रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे परासरण की क्रिया होने लगेगी, यानी विलायक के कणों का प्रवाह विलायक से विलयन की ओर होने लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दाब कार्य करेगा, और उस दाब की जो दिशा होगी वो इस तरह इस दिशा में होगी, यानी विलायक से विलयन की ओर होगी। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जब परासरण की क्रिया हो रही होगी तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये जो नली का द्रव होगा वो नीचे की ओर आएगा, क्योंकि जो विलायक के कण हैं वो यहाँ पे विलयन में जा रहे हैं, तो विलयन की मात्रा बढ़ती जाएगी और जो विलायक की मात्रा है वो घटती जाएगी, तो इसलिए जो इसका स्तर होगा वो नीचे आएगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि परासरण की जो क्रिया है वो हो रही है। तो अब अगर यहाँ पे हम इस पिस्टन की सहायता से यहाँ पे कोई बाह्य दाब, मतलब बाहर से दाब लगाएं, और इतना दाब लगाएं कि ये दाब परासरण दाब के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो कांच की नली का द्रव है वो अब नीचे आना बंद कर दिया है, स्थिर हो जाता है। यानी उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो परासरण की क्रिया है वो रुक गई है। तो इसी बात को हम परासरण दाब की परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि परासरण दाब विलयन पे लगने वाले उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो परासरण की क्रिया को रोक दे। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो यदि किसी विलयन पे आरोपित किया जाए तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी।